किरण चौधरी जी हमारी पार्टी में रहे नहीं और वो राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं। बधाई तो देंगे आपको। नहीं, बधाई की तो बधाई तो मैं तब देता जब जो है वो कांग्रेस में रहकर और तब राज्यसभा की मेंबर बनती। मैं समझता हूँ कि उनका जो ये कदम है ये ठीक कदम नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आजाद समाज पार्टी मिल जाए या जनता का जो गठबंधन है ये भी बिल्कुल जो है फेल होगा और इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जजपा की जो जैसे आपने देखा है जैसे कोई कोतरी किसी पेड़ पे बैठ जाती है तो पेड़ सूख जाता है। तो पहले तो बीजेपी का तो सत्यानाश कर ही दिया, खुद का भी जो है कर लिया, तो उनके जाने अनजाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कर्णा रावत का जो बयान था तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी किसानों के बारे में उससे भाजपा ने भी अपने आप को दूर कर लिया है और ये अपमान उस अन्नदाता का है जो इस देश का पेट भरता है। मुझे लगता है अभी भी वो फिल्मी दुनिया में ही में अपने आप को समझती, आज भी वो फिल्मी दुनिया में है। उसको ये नहीं पता कि एक सांसद की क्या जिम्मेवारी होती है, किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही उसको बल्कि इस बात के लिए किसानों से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।